नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ भगवती सक्सेना गौड और आज आपको सुना रही हूँ अपनी ही लिखी कहानी सुपुत्र। राम नारायण के इकलौते बेटे की 6 महीने पहले आईटी कंपनी में बीटेक के बाद प्लेसमेंट हुआ था। बढ़िया नौकरी मिली थी। छोटे से कस्बे के राम नारायण और उनकी पत्नी छाया आज आकाश में उड़ रहे थे। बेटा गगनवीर सर्विस लगने के बाद पहली बार घर आ रहा था। अपने हिसाब से दोनों ने मिलकर छोटे से घर को चमका दिया था। राम नारायण प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाते थे। हमेशा से सीमित साधन में घर परिवार चलाते थे। छाया ने बेटे के पसंद के सब व्यंजन बना रखे थे। शाम को ट्रेन से गगन घर आने वाला था, तभी राम नारायण जी के बचपन के दोस्त रघु आए और बोले, क्या बात है, आज तो घर का नक्शा ही बदला लग रहा है। दोस्त, मालूम नहीं क्या, मेरा बेटा पुणे से आने वाला है, बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर है। सुनो रामू मास्टर, जरा समझदारी से काम लेना, बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखो, आजकल के बच्चे किसी की नहीं सुनते। मेरा भतीजा दिल्ली गया, अपने मम्मी पापा से बात भी नहीं करता है, लाखों में खर्च करके पढ़ाया, अब बोलता है बहुत खर्चा है, कुछ बचता ही नहीं। सही कहते हो, मैंने भी ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखी हैं। वैसे पहले माह से ही वो हर महीने 20,000 घर भेजता है। शाम को नियत समय पर गगन घर आया। लगा वो अपने साथ गगन के तारों की चमक भी ले आया था। घर जगमगा रहा था। अपने माँ बाबूजी के पैर छूकर गले लग गया और बोला, आप लोगों को ज़्यादा दिन यहाँ नहीं छोड़ूंगा, कष्ट के दिन गए। अरे बेटा, अभी तो तुमको बहुत उन्नति करना है, चलो पहले चाय और तुम्हारे पसंद की अरबी की पकौड़ी खाओ, फिर बातें होती रहेंगी। अरे वाह माँ, जल्दी लाओ, तरस गया तुम्हारे हाथ के खाने के लिए। होटल का खाना 2 दिन के बाद ही बेकार लगने लगा था। खा पी कर गगन अपना सामान खोलने लगा। माँ बाबूजी मेरे सामने आकर बैठिए। हाँ बोल बेटा। बाबूजी ये अटैची में आपका सामान, खोलिए माँ को दिखाइए। 1 दर्जन बनियान, 5 रेडीमेड शर्ट पैंट, 1 जोड़ी स्लीपर और 1 बढ़िया शूज। माँ की अटैची में 5 सूती साड़ियाँ, 5 सिल्क की साड़ियाँ। हे भगवान, ये क्या किया बेटे, पूरी सैलरी इसी में लगा दी क्या? बाबूजी, आपको पता है मैंने बचपन से बहुत सूक्ष्मता से देखा है और डायरी में लिखता गया, मेरे पापा मनुष्य के रूप में घर के देवता हैं। 1 फटी बनियान में साल भर रहकर बेटे की हर पुस्तक कॉपी पेंसिल पहली बार में घर लाते हैं। 2 शर्ट साल भर धोकर प्रेस कर एकदम स्मार्ट नज़र आते हैं। मुझे कॉलेज में पढ़ा सकें इसलिए पैसे चुपके से बचाते रहे। चाय की जगह गर्म पानी पीकर काम चलाते रहे। दिन भर में 1 बार भोजन करूँगा, ये नियम उन्होंने बना लिया। शाम को ट्यूशन लेने लगे। माँ ने
घर का सारा काम अकेले किया, अपने सब गहने बेचकर मेरी फीस भरी। जब मेरी सर्विस लगी मैंने प्रण किया, अपने माँ बाबूजी की हर उम्मीद पूरी करूँगा। आप अब साइकिल सजा कर रख दीजिए, आपकी एक्टिवा बुक हो गई। आओ बेटा गले लग जाओ, मैं दुनिया की बातों से थोड़ा भयभीत जरूर था, पर आज तुम मेरी उम्मीदों पर खरे उतरे। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भगवती सक्सेना की आवाज़ में उन्हीं की कहानी सुपुत्र। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।